हाँ बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही यहाँ। क्या बात है। और थोड़ा सा एक दूसरे के पास आ जाए, हाँ और पास आइए। हाँ हाँ बस बस ऐसे। अब ऐसे कहते हैं ना, एक शानदार कपल, दोनों के बीच का तालमेल देखो। ये तो बस हमारी दूसरी ही मुलाकात है, पता नहीं आगे क्या होगा। तुम ठीक तो हो ना? बस ऐसे ही बात करिए, बहुत बढ़िया, अच्छे लग रहे हैं। ये मुझे शादी करने के लिए प्यार की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। वो मुझसे बात नहीं करने वाला है, मैं जानती हूँ। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? वो तो बस एक छोटा मोटा चक्कर था, उसके कारण तुम्हें ये सगाई नहीं तोड़नी चाहिए। पिछले 5 सालों से मैं कैनेटारो को जानती हूँ। हम तो हर दिन न जाने कितनी बातें शेयर करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ही थी जिसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया था। ये तो सिर्फ एक ऐड है डेटिंग ऐप के लिए। मुझे कैसी लड़की की तलाश है जो मुझसे मिलते ही शादी कर ले? मेल, 27 इयर्स। एज है 27 इयर्स। इसे क्या लगता है शादी क्या होती है? शादी तो तब होनी चाहिए जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसी वक्त शादी कर पाऊंगी? मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता, चाहे कोई भी हो, मुझे बस इस जगह से बचा लो। क्या हमारी होने वाली दुल्हन को फोरहेड पे एक किस मिल सकता है? क्या किस कहा तुमने? चिंता मत करो, एक्टिंग करूंगा। हम दोनों की उसी दिन शादी हो गई थी जिस दिन हम पहली बार मिले थे। बस ऐसे ही, एक दूसरे में कुछ भी जाने बिना। बहुत अच्छे, अब चलिए किस करिए एक दूसरे को। अच्छे से किस करना, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ चलिए, और करीब, थोड़ा थोड़ा सा और करीब। ये अभी शर्माना क्या, शादी कर लिया आपने, आ जाइए। I'm sorry, मैंने तो सच में किस कर लिया। एक मिनट, क्या मैं अभी सच में नॉर्मली हंस रही थी? एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहोगी क्या? हम दोनों के लिए लंच लेकर आया हूं। हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुमने इतना अच्छा घर ढूंढ लिया है। रियल एस्टेट बिजनेस में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने सोचा घर लेंगे तो हमारे पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। तुमने सही कहा, सच में लगता है हमारी शादी हुई है। सीधी सी बात है, बिना प्यार की शादी में सब कुछ अजीब सा लगता है, समझ नहीं आता क्या बात करें। मैं बस भाग जाना चाहती थी वहां से। मुझे नहीं पता मेरे घर वाले क्या सोचेंगे जब उन्हें इस नकली शादी के बारे में पता चलेगा। मैं जानती हूँ थोड़ी देर हो चुकी है। मुझे लगता है अगर तुम इसे एक फ्रेश स्टार्ट की तरह सोचोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ? कम से कम ये तो अच्छा हुआ ना कि तुमने किसी धोखेबाज के साथ शादी नहीं कर ली।
सही कहा। हमारे बीच भले ही कोई खास रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी भी हर्ट ना करूं। I'm sure कभी ना कभी तुम्हारा परिवार भी इस बात को समझ ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब और हमें जल्दी ही प्लान करके तुम्हारी मॉम से भी मिल लेना चाहिए। हाँ सही कह रही हो। मेरे ख्याल से मैं इसके साथ कुछ समय तो रह ही सकती हूँ, पर कितना समय, कुछ मतलब कितना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आमी। वाह क्या खुशबू है। तुम भी इसे टेस्ट करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें एतराज ना हो। I'm sorry, लेकिन मेरे पास बस यही एक कप है। ओह कोई बात नहीं। आप अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं नाश्ते में कुछ बना दूँ? मैं कल ही ब्रेड लेकर आया था। बढ़िया है, तुम बहुत ख्याल रखते हो। मैं तुम्हारी पसंद के बारे में श्योर नहीं था, इसलिए अलग अलग रैंडम फ्लेवर्स लाया हूँ। वाह मैं सच में बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। अब मुझे निकलना होगा। ओह मुझे भी। नहीं नहीं तुम्हें आराम से खाना खाना चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। जब वो ऑफिस जा रहा है तो मुझे दरवाजे तक जाना चाहिए था क्या? हम सच में एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जैसे मुझे कौन सी ब्रेड पसंद है, या फिर हम कहाँ काम करते हैं। हरुता तुम बिजी हो क्या? कुछ बात करनी। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी की खुशी में एक पार्टी देनी चाहिए, पर पता चला कि आखिरी में कुछ बुरा हो गया। ओ तेरी कैनेटारो की बात कर रहा है। जाहिर है मैंने अभी तक किसी से कुछ भी नहीं कहा है। एक्चुअली मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है। अच्छा ऐसी बात है क्या? जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा खुश लग रही हो। ओह क्या सच में? तो बताओ आज रात डिनर पर चलें? ओह आई एम सो सॉरी पर मैं आज जल्दी निकल रही हूँ। हम बहुत जल्दी डिनर का प्लान करेंगे, ठीक है? ये तो जानता ही नहीं है। तुमसे दोबारा पूछूंगा। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैंने किसी और से शादी कर ली है। क्या करूं? मैं सिर्फ अपने लिए तो नहीं ले सकती हूँ ना, पर मैं सेम कप भी नहीं ले सकती। अरे ये वही सेम कप्स हैं जो मैंने केनेटारो के साथ लिए थे। ओह एमी मेरी जान। केनेटारो ये मग से क्या कर रही हो? ओह नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यूं ही। देखा शायद हमें ब्रेकअप करना ही नहीं चाहिए था, है ना? क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब हम दोनों को दोस्त बनकर मिलते रहना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं, हम मिलकर थोड़ा टाइम पास ही कर लेंगे, है ना? ऐसे क्यों देख रही हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी, हम बस मिलकर चिल करेंगे, है ना? उसने कहा ना उसे मिलने का मन नहीं है। मियूरा तुम यहाँ कैसे? एमी क्या तुम इसे जानती हो? आज के बाद मेरी बीवी को हाथ मत लगाना। बीवी? और अब से थोड़ा इज्जत से भी बात करना सीख लो। तुम्हारे जैसे धोखेबाज लोग जितना दूर रहे उतना अच्छा है। मैं बताती हूँ, दरअसल हमारी शादी हो गई है। माफ करना मुझे सच में पता नहीं था। आई एम सॉरी पर कंग्रेचुलेशंस। सही बात तो है, शादी की बधाई तो मिलनी ही चाहिए। मुझे सुनकर
बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं अपने काम पे वापस जाता हूँ। ठीक है। शायद मियोरा की आने की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कैसा रहा तुम्हारा दिन? करी? हाँ, मैंने बनाई है। क्या तुम भी कुछ साथ लेकर आए हो? बताओ मुझे। इसे कल भी खा सकते हैं, उसमें क्या हो गया? सुनो, आज जो तुमने किया उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे एक्स के सामने। हाँ तो उसमें क्या हो गया? फिलहाल तुम्हारा हस्बैंड मैं हूँ, इसलिए इतना तो बनता है। कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया था ना उस दिन? ओ नहीं 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 नहीं, सच ही तो कहा था तुमने। हाँ क्या क्या करी बहुत तीखी बनी है? अब नहीं, ये बहुत टेस्टी है, देखो। अगली बार ध्यान रखूंगी कि तीखा कम डालू इसके अंदर। ओ मियोरा, कितना क्यूट है ये। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, पर अब वो मेरा सब कुछ है। मेरा हस्बैंड है। पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। आजकल जब भी सोचती हूँ तो मियोरा के बारे में ही सोचती रहती हूँ। नहीं 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 नहीं। कमाल की बात है ना? सोचा नहीं था एक ही कंपनी में होंगे। हमने कभी एक दूसरे से पूछा तक नहीं हम कहाँ काम करते हैं। तो आजकल अरेंज मैरिज में भी पता चल जाता है। सही कहा। हाँ वही तो। एनी, क्या तुम मनात्सु को जानती हो? नहीं, मुझे काम के लिए थोड़ी मदद चाहिए थी इनसे। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। ओके हारुता, अब हम बाद में मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। ओके जरूर जरूर। क्या चल क्या रहा है? तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड के अलावा किसी और में दिलचस्पी नहीं थी ना? क्या ये इतने मशहूर हैं? हाँ यही तो है, यही तो है मनात्सु। नौकरी के पहले साल में ही सबसे बेस्ट सेल्समैन की पोजीशन जीत ली है इसने, और तब से बरकरार रखे हुए हैं। और ये कितना हैंडसम है, हर कोई इसे चाहता है। बड़ा झटका लगेगा जब इन्हें पता चलेगा कि ये मेरे पति है। अमी, अगर फ्री हो तो तुम्हें परेशान कर सकते हैं। ये यहाँ जो प्राइस लिखी है ना, ये सब सही है ना? हाँ सही है। ओ सही है। ओ थैंक गॉड। तुम करियर बदलते रहने वाले सब कुछ जल्दी सीख जाते हो। अच्छा, ऐसी बात है। हो सकता है मुझे सिखाने वाली समझदार और क्यूट हो। यामागाटा, शायद तुम्हारी असली जगह सेल्स में है, ना कि अकाउंटिंग में। और तुम टालने में भी बहुत माहिर हो। अगर तुम जरा सी भी ढील दो तो यामागाटा जैसे मर्द तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। प्रेसिडेंट जो अवार्ड देने वाले हैं उसे लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। ठीक है सुमिता। और इस महीने दोबारा टॉप पर है मियोरा। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर। इसमें सिर्फ मेरा काम नहीं था, पूरी टीम ने साथ मिलकर मेहनत की है। और आपसे भी, हम इसी तरह से मेहनत से काम करते रहेंगे अपनी पूरी लगन से। काम करते हैं और कितना हम्बल भी है। कितना बढ़िया लग रहा है। हरुता, क्या हाल ही में कुछ हुआ है क्या? हाँ? शायद प्यार? तुम ये सब बस मुझे हाथ लगा कर बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में। है? ये कैसा है?
प्रेशर ठीक है ना? बहुत बढ़िया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने ही घर जाते जाते यहाँ पे घूम गई हो? रास्ते में सुपरमार्केट रुकी थी, फिर दोबारा घर ही नहीं ढूंढ पाई। मुझे नहीं लग रहा कि तुम असल में घूमी थी। मुझे बस रास्ते याद ही नहीं रहते हैं। ऐसी बात है क्या? क्या हमें हमारे काम पर सबसे हमारी शादी की बात छुपानी चाहिए? हाँ, इस बात को राजी रखते हैं। ठीक है, म्यूरा इतने मशहूर हैं, न जाने ऐसी क्या वजह थी जो उसी दिन किसी से ऑनलाइन ढूंढकर शादी करना चाहते थे वो, और फिर मैं ही क्यों? मैं चाहती हूँ कि ये मुझे पसंद करने लगे। मैं सच में चाहती हूँ कि ये मेरी तरफ पहला कदम उठाए। अलता, तुम इस नाइट सूट में कितनी क्यूट लग रही हो। मैं सच में अच्छी लग रही हूँ क्या? हमारे पास बियर भी है। हारुता सांगा, मेरा मतलब आमी चान, तुम हर चीज का कितना ख्याल रखती हो। नहीं पर इसके लिए मुझे जाल बिछाना होगा, और ये है मेरी शादी जाल। पीते वक्त तुम्हें मेरी स्पीड मैच करने की जरूरत नहीं है। शायद मैंने उसका मूड खराब कर दिया। आफ्टर ऑल तुम्हारा पति मैं हूँ, इसलिए खुद पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शॉर्ट्स कुछ ज्यादा ही छोटे हैं, इसलिए लग रही होगी। नहीं अभी नहीं, जब हम सोने जाएंगे तब ले लूंगी मैं। कहीं तुम ये तो नहीं चाह रहे कि हम दोनों साथ में सो जाएं? क्या ये तो इसी को कहना चाहिए ना, क्या ये भी मैं ही कहूँ? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या इसने मुझे ना कह दिया? ओ तेरी। मुझसे ये सारी बातें तभी करना जब तुम सच में मुझे पसंद करने लग जाओ। मैं ये कहती भी नहीं अगर तुम मुझे पसंद ना होते तो। मेरी तरफ इस तरह से देखोगी तो कैसे चलेगा? बोलो मिस हारुता। चलो सो जाते हैं। क्या कहा?
अभी जो तुम बोल रही थी फिर से बोलना। नहीं 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 कुछ नहीं कहा। एक सेकंड रुको तो, क्या म्यूरा मुझे टॉर्चर कर रहा है? हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक सेकंड, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ। पता चल गया तो दिक्कत हो सकती है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ। ये तो मैं भी जानती हूँ, पर ये कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं हो गया? जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। मुझे बड़ा अकेलापन महसूस होता है। ठीक है, मैं बाकी का काम तुम देख लो प्लीज। अरे फारूता साहब, कहीं आपको मुझसे काम तो नहीं है? लगता है आपको मुझसे किसी कस्टमर के डिपॉजिट के बारे में बात करनी होगी। आइए ना। क्या 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 चल क्या रहा है? कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं दिखा रहे हो तुम? ये जगह है, हमारा ऑफिस है, याद है? तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए था? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी और ये हुआ मेरा सीधा वार। ओह ऐसा है क्या? अच्छा आज मेरा एक पार्सल आने वाला है, तो क्या तुम उसे मेरी बजाय रिसीव कर सकती हो? हाँ क्यों नहीं, जरूर। ये क्या हो गया? वार तो मेरी हार बन गया। मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी डेस्क पे वापस जाना चाहिए। ठीक है। मैंने देख लिया। ऐसी हरकतें तुम पहली बार कर रहे हो? क्या बातें कर रहे हो, मैं समझा नहीं। ऑफिस के टाइम में तुम्हारी हरकतें? हाँ तो किसी को पता चला तो गड़बड़ हो सकती है। तुम्हारी सलाहों के लिए थैंक यू सो मच। रुक गया था। कितनी मस्ती है ना इसमें, जो ये पैकेज इसने मुझसे खुलवाना चाहा। पर मुझे लगता है कि मैं सच में इसे पूरी तरह से चाहने लगी हूँ। हम एक आम कपल तो नहीं है, क्या ये प्यार है? हम अपनी दुनिया बना सकते हैं। मुझे तुमसे प्यार है, पर ये तो किसी भी तरह मान ही नहीं रहा है। हम एक दुनिया बना सकते हैं। ज़्यादा प्लानिंग करने वाली बीवियों से बचकर ही रहना चाहिए।